मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत में फंसे नेपाली मजदूर अपने देश भेजने की मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके देश भेजा जाए, मगर वहीं भारत सरकार यूपी बिहार के मजदूरों को उनके घर जाने की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्या नेपाल के फंसे मजदूर भारत में ऐसे ही भूखे प्यासे रहेंगे? क्या उन्हें उनके देश भेजने की व्यवस्था नहीं की जाएगी? ये लॉकडाउन मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा दयनीय साबित हो रहा है। लाखों की तादाद में मजदूर फंसे हुए हैं। यूपी बिहार के मजदूरों के लिए सरकार तो व्यवस्था थोड़ी बहुत कर रही है, इसके बावजूद भी मजदूर बड़ी संख्या में ट्रकों में भरकर यूपी बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं, मगर वहीं नेपाल के मजदूरों की उनके देश जाने के लिए नेपाल सरकार और भारत सरकार कब कदम उठाएगी? इसके पहले भी हमने नेपाली मजदूरों को नेपाल भेजने की खबर चलाई थी, जिसके बाद भारत में अलग अलग राज्यों में फंसे नेपाली मजदूरों ने हमें फ़ोन कर आप बीती सुनाई और हमें वीडियो भी भेजा। दिल्ली, गुजरात, मुंबई और ऐसे कई राज्यों में नेपाली मजदूर फंसे हुए हैं। दरअसल इस नेपाली मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास अब कुछ खाने पीने के लिए बचा नहीं है और ये अपने देश नेपाल जाने की मांग भारत सरकार और नेपाल सरकार से कर रहे हैं। नेपाल सरकार को भी चाहिए कि उनके लोग भारत में फंसे हुए हैं उन्हें नेपाल बुलाए। सबसे पहले हम आपको दिल्ली से भेजे गए नेपाली मजदूरों की वीडियो सुनाते हैं, सुनिए इन मजदूरों ने क्या कहा है। दोस्तों, हम लोग सभी भाई यहाँ पर जो बैठे हैं वो सब नेपाल रौतहट जिला प्रदेश नंबर 2 राजपुर नगर पालिका गाँव विकास 7 अकुलवा गाँव विकास के हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तान में रोजी रोजगार के तलाश में नेपाल से आए और यहाँ काम करते हैं और महीना पे अपने घर उठाकर अपने घर पे अपने माँ बाप के लिए भेजते हैं। ना हम लोगों के पास अब पैसा बचा है और ना कोई खाने के लिए कोई किसी चीज़ की सुविधा है और ना यहाँ की सरकार या गवर्नमेंट हमारी कोई मदद कर रही है। हम यहाँ नई दिल्ली नेपाली एम्बेसी में गए वहाँ पे कि हम लोगों को भी हिंदुस्तान और बिहार और यूपी सरकार जिस तरह अपने वासियों को बुला रही है, आप भी हमारे लिए कोई रास्ता निकालें कि जो हम लोग अपने नेपाल जा सके। वहाँ से उन्होंने एक लेटर पैड जारी किया कि यहाँ बॉर्डर सब सील है, आप लोग जहाँ हैं वहीं इत्मीनान बना के रखिए। तो हम किस बिना पर इत्मीनान बना के रखें? हमारे पास अब कुछ नहीं रह गया, सब कुछ उजड़ चुका है। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई अनाज है कुछ खाने के लिए, ना इंडिया सरकार से कुछ मदद आ रही है, ना कहीं। तो नेपाल सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह से आप नेपाल हमारे देश और गाँव में हमें बुला लीजिए। और हिंदुस्तान सरकार से भी हमारा अपील है कि हमें किसी तरह आप नेपाल सरकार से बात कर विचार कर भेजिए। इसी तरह से बड़ी संख्या में गुजरात में भी नेपाली मजदूर फंसे हुए हैं, कारोबार बंद है, अपने देश जा नहीं सकते हैं, ऐसे में भूखे पेट इन्हें सोना पड़ रहा है। तो कभी किसी ने दे दिया खाना तो खाने को मिल जाता है। गुजरात में फंसे नेपाली मजदूरों ने अपने देश जाने की गुहार सरकार से लगाई है, सुनिए इन नेपाली मजदूरों ने गुजरात से जो हमें वीडियो भेजा है वो हम आपको सुनाते हैं। हामी नेपाली दाजुभाइहरु सबैजनाले फसेछु, हामी नेपालीको हाम्रो आधार पनि छ, यो नागरिकता हेर्नु अनि प्रुफ पनि देखाउँदैछु। तर हामीहरुलाई कुनै यस्तो बाटो छैन कि हामीहरु आफ्नो देशमा जाउँ। हामी गरिब मान्छे, हामी कमाउन आएथ्यौँ इन्डियामा। नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ, हामीहरुलाई बोलाउनुहोस्, जसरी पनि बोलाउनुहोस् हाम्रो देशमा। हामी यहाँ भुखे मर्न लागेछु, हामीलाई जसरी पनि बोलाइदिनुहोस्, यो तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ। अनि हामीहरू सबैजनाको आधार छ, यहाँ हेर्नुहोस्, सबैजनाको नागरिकता छ। तर हामीलाई कुनै यस्तो है भनेछ कि तिमीहरूलाई कुनै यस्तो बाटो छैन भनेर, इन्डियाको मान्छेलाई मात्रै बिहार जान दिने हो तर नेपालीहरूको कुनै बाटो छैन भने हामी किन यहाँ भुख बसेर के खाने कुरो छैन? जति दिन पैसा कमाएको थियो, जुन पैसा थियो हामीले बसेर त अब खाइदियो, पैसा पनि सिद्धियो, अब हामीले के खाने के गर्ने? नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ, हामीहरूलाई बोलाउनुहोस्। नमस्कार। इसी तरह से मुंबई में भी नेपाली मजदूरों की संख्या कम नहीं है, मजदूर ज़्यादातर कारखानों में काम करने वाले लोग हैं। इसी तरह मुसीबत की घड़ी में ये भी चाहकर भी अपने देश नहीं जा सकते हैं जब तक सरकार इनकी कोई व्यवस्था जाने की नहीं करती है।
मुंबई में फंसे नेपाली मजदूरों ने भी हमें वीडियो भेजा है, हम वो भी सुनाते हैं आपको। नमस्कार, सलाम अलैकुम। हामी नेपाली भाइहरु छु, हामीलाई धेरै समस्या परेछ, हामी यहाँ भुखै मर्दै छु, खाना पिनाको लागि पनि हामीलाई केही छैन, यहाँ दोकान राशनहरुको सबै दोकान बन्द छ, हामीलाई पैसा छ न केही छ, हामी के गर्नु? मोदीजीले हामीलाई केही दिइरा छैन, हामीले केही पनि सहयोग गरेरा छैन, हामीले झन् फसाएको फसाई गरेछ। अब तपाईलाई जो इच्छा लाग्छ हामीलाई गर्नु, तर हामीलाई यहाँबाट निकालेर पहिला आफ्नो देश पुगाउनुहोस्। नमस्कार, जय हिन्द। इन सभी नेपाली मजदूरों के लिए दोनों देशों की सरकारों को फैसला जल्द लेना चाहिए और भारत में फंसे मजदूरों को उनके देश नेपाल भेजना चाहिए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।